अच्छी बैठ रही है। और मैं ग्रीन टी पी रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है यहाँ पर कराची में, और ग्रीन टी पीने से वैसे भी वेट लूज़ होता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर मैंने सुहाजना भी डाला था, और उसे पापा ने बनाया, सॉरी मैंने नहीं पापा ने बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। इसके अंदर पापा ने चीनी नहीं गुड़ डाला था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये बहुत हेल्दी होता है, सर्दी में सबको पीना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का है, बहुत मज़े का। और यहाँ पर अम्मी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, और अम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, क्योंकि अम्मी की नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कि शायद रात को करना तकिया वगैरह अम्मी ने ठीक नहीं लिया इसलिए, शायद इसलिए दर्द हो रहा है। और अम्मी की बहुत ज़्यादा आज तबीयत ख़राब है क्योंकि अम्मी से बैठा नहीं जा रहा, नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो आज हमारे गेस्ट भी आएँगे, और अम्मी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बस दुआ करें जल्दी से गेस्ट आए तो फिर ठीक हो जाए। और यहाँ पर बस हम टी चाय पीते हैं अपने। एक और बात कहनी थी कि वीडियो अगर अच्छी लगा कर तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट में बता दिया करो कैसी वीडियो लगी, बुरी लगी तो भी बता दिया करो, अच्छी लगी तो भी बता दिया करो। हम लोग शॉवर लेने जा रहे हैं क्योंकि अभी शाम भी बहुत हो गई है, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, फिर क्या कर सकते हैं, सर्दियों में बहुत जल्दी शाम हो जाती है, तो बस हम शॉवर लेकर आते हैं। सॉक्स मेरे फेवरेट सॉक्स हैं ये वाले, जितने प्यारे लगते हैं ये वाले, ये डॉग बना है आई थिंक इसके ऊपर, लेकिन इतने कलरफुल से है ना ये वाले सॉन्ग्स, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले। इतनी ज़्यादा ठंड में अब मैं पैरों को मॉइस्चराइज करूँगी, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉक्स पहन के हीटर लगा के बैठेंगे। मुझे तो बहुत ठंड लगी हुई है, मैं तो पहले हीटर चलाऊंगी, उसके बाद मैं मज़े से इसके आगे अपने हाथ सेकूंगी। और सर्दी बहुत हो रही है आज, और अम्मी तो सो रही है कराटे मार कर, और यहाँ पर बस मैं, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो मैं हीटर चलाऊंगी अब। तो हीटर मैंने ऑन कर लिया है, और यहाँ पर मैं बस अब सर्दी से मतलब थोड़ा बहुत सर्दी लग रही है, और पैर वगैरह भी मैं गर्म करूँगी इस तरह से, तो इस तरह से मतलब सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी। और मुझे ड्राई करूँगी ड्राई अपने हेयर्स में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, मैं तो इसी कमरे में मैंने हीटर ऑन करा है, और बस हम लोग यहीं पर बैठ के ड्राई करेंगे और बस सर्दी को कम करेंगे अपनी। मैं सोच रही कि शायद ग्रीन टी दोबारा बना लूँ, देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती। ड्राई मेरे भाई ने ला के दी थी, ये बहुत अच्छी है, यकीन कर सुकून मिल जाता है। और सर्दियों में मैं हमेशा ड्राई करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, और अम्मी के लिए खसूरन, और ये मेरे भाई की है क्योंकि मैं मेरे भाई की जिनसे मैं बहुत ऐश करती हूँ, उनकी चीज़ों का बहुत यूज़ करती हूँ मैं, और वो तो बेचारे लाते रहते हैं, और हम सिर्फ यूज़ मैं बहुत यूज़ करती हूँ, वो तो बहुत कम करते हैं क्योंकि उनके हेयर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, और लड़कियों के तो बड़े होते हैं फिर, क्योंकि ये फिर बाल बहुत अच्छे से ड्राई कर लेती है ना, तो मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ। इसकी स्पीड देखें आप, मैं इसकी स्पीड दिखा दूँ, ये चेक करें, ये देखें इसकी स्पीड इतनी ज़बरदस्त है, मैं आपको क्या बताऊँ, ये जन्नत है, ये ड्राई नहीं है, ये जन्नत है सर्दियों के लिए। किचन में मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसको समेट लेते हैं, और ये थोड़े से इनको वॉश कर लेते हैं, इसमें मैंने पानी बॉयल किया था उसको भी हम लोग वॉश कर लेते हैं, किचन को थोड़ा सा और समेट लेते हैं, और साथ में पापा की चाय बना देंगे, क्योंकि पापा को अगर चाय का पूछ लो ना पापा, मतलब पापा उसके हो जाते हैं, और जो चाय का ना पूछे ना पापा उसके दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन, तो इसलिए बस हम चाय ये थोड़े से समेट लेंगे, फिर हम लोग पापा को चाय बना के देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, और हम भी ठीक हैं। हाँ हम भी ठीक हैं, और यहाँ पर हमारे घर में शाम में गेस्ट आ गए थे, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि पापा के लिए चाय बनाऊँ, और यहाँ पर गेस्ट भी आ गए थे चले, तो मैंने फिर गेस्ट के लिए भी चाय बनाई, और फिर पापा के लिए भी चाय बनाई। पापा तो खुश हो गए थे वैसे भी, पापा तो वैसे भी चाय का बगैर पूछे मैंने बगैर बोले पापा को मैंने चाय दी, तो खुशी हो गए पापा। हाँ रोज़ाना तो बेचारे आके बोलते हैं,
चाय बना दो। हाँ, रोजाना आके बोलते हैं वैसे, चाय बना दो। आज हमको याद दिलाना पड़ता है क्योंकि हम पीते ही नहीं है तो हमें याद ही नहीं होती। फिर बेचारे आके याद दिलाते हैं हमें कि चाय का टाइम हो गया। और यहाँ पर मेरी कजन मेरे लिए सूप बना के लेकर आई थी, चाइनीज सूप, चिकन चाइनीज सूप, बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े का। और सूप तो मुझे वैसे भी पसंद है, और मैंने तकरीबन मतलब कितने साल बाद ये सिर्फ चाइनीज सूप पिया था, क्योंकि मैं वेजिटेबल के बगैर सूप पीती ही नहीं हूँ। ये वेजिटेबल लाजमी डालती है ना, इसके बगैर इसको पसंद नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छा था ये भी, बहुत सालों बाद पिया तो बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा। यहाँ पर मम्मी शाम में फिर खाने की तैयारी करी थी, तो यहाँ पर चिकन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला तकरीबन 300 grams, क्योंकि कढ़ाई के ना तेल कुकिंग ऑयल ज़्यादा होना चाहिए। और इसके बाद टोमेटोज डाल दिए, तकरीबन यहाँ पर 1 kg टोमेटोज थे जिसको मैंने काट कर डाल दिए, और उसको ढककर कवर करके रख दिया ताकि हमारे टोमेटोज सॉफ्ट हो जाएँ। उसमें स्पून चला दिए, बाद इसके बाद उसका कवर उठाएंगे और यहाँ पर हमारे टोमेटो सॉफ्ट हो गए थे। बस हमने इसको इतने ही ज़्यादा फ्लेम पर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे क्रश चिलीज, तो 2 tablespoons इसके अंदर, 1 tablespoon इसके अंदर क्रश चिलीज थी, और सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट बस थोड़ा सा डाल दिया था क्योंकि इसके अंदर हम शान का कढ़ाई मसाले का पैकेट डालने वाले हैं, तो ये इतने ही स्पाइसेस बहुत थे। इसके बाद हम इसके अंदर शान कढ़ाई मसाले का पैकेट डाल देंगे खोलकर, और बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स पे इसमें यही थे। इससे हमारी अम्मी चिलीज डालना भूल गई थी, तो आप लोग चिलीज भी डाल सकते हैं। हाँ, ग्रीन चिली डालना भूल गई थी ना मैं उस दिन। ग्रीन चिलीज डालने से ना और ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो रहा था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रीन चिलीज वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर हम थोड़े से हॉट स्पाइसी यानी गरम मसाला पाउडर जो होते हैं वो डाल देंगे। अच्छा, हमारे पास ख़त्म हो गए थे तकरीबन 1 teaspoon ही पड़ा था, थोड़ा सा, तो हमने वही डाल दिया। अब नेक्स्ट हमने इसके ना 1 tablespoon यहाँ पर ये बिल्कुल रॉ मतलब वो है धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स हैं, उनको हम हाथों से इस तरह मसल के डालेंगे। इससे ना इसके फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसके अंदर हम ये इसको भी मिक्स करेंगे। बस बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है ये, बहुत जल्दी से बन जाती है, बहुत टेस्टफुल होती है ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा मज़े की होती है ये। और हम जिंजर गार्लिक पेस्ट हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, मतलब चिकन के अंदर, क्योंकि चिकन के अंदर कोई स्मेल नहीं होती, इसके भूनने के बाद भूनने से ख़त्म हो जाती है ना, इसलिए हम लोग बिल्कुल यूज़ नहीं करते। अब हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 200 घी और ऐड कर दिया तकरीबन 3 tablespoon होंगे, क्योंकि ना टमाटोज ना बहुत घी जैसे ले रहे थे ना, तो फिर अब अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, तो फिर हमने इसके ना और दिया था। अब इसके बाद हम इसके ना 1 kg हमने यहाँ पर चिकन ले लिया था, तो इसको वॉश अच्छी तरह से वॉश करके हम इसके ना ऐड कर लेंगे, और इसको भी हम साथ साथ ना थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन की जो कच्चापन है वो गोल्डन सा हो जाए ना, कलर आ जाए। फिर इसके बाद ही हम इसके ना थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बस हम इसको इतना हल्का हल्का सा भूनते जाएंगे स्पून से, और फ्लेम हम इसकी थोड़ी सी टेस्ट कर देंगे क्योंकि चिकन हम जब फ्राई कर रहे थे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हमने तकरीबन पानी डालना है। अब ये चिकन अपना ही पानी छोड़ रहा है, तो चिकन अभी जब अपना ही पानी छोड़ रहा है तो अपने पानी में ही फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पर मैं साथ साथ थोड़े से बर्तन भी वॉश कर रही थी, और बस यही काम साथ साथ होते रहते हैं सबके घर में, और बस इसी तरह होता रहता है, और बस यही सबकी रूटीन होती है। और यहाँ पर फिर जब मैं यहाँ पर देख रही थी, अच्छा हमारी इतना हल्की सी ना थोड़ी कढ़ाई हल्की सी लग गई थी नीचे से, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो जाता है इतना तो थोड़ा बहुत होता रहता है मेरे साथ, वैसे मेरे साथ भी हो जाता है ये। अच्छा मेरे साथ नीचे से नहीं होता, साइड से मैं बहुत ज़्यादा लगा देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझसे हो जाता है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता। तो अच्छा यहाँ पर देखें, अब हमारे चिकन जो है फ्राई हो गया है, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा था, मैंने तकरीबन 3 tablespoon जितना हो गया, बस थोड़ा ही पानी इसके अंदर ऐड करा था ताकि बस चिकन हल्के से सॉफ्ट हो जाए, और बिल्कुल कढ़ाई तो थोड़ी भुनी भुनी हुई अच्छी लगती थी, बस भुनी भुनी हुई हुई ये थी, इसी टाइप ठीक ठीक थी, और बहुत मज़े की थी, मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़े की कढ़ाई थी ना इसी तरह, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हमें कल के साथ में काफ़ी कदम से हम लोग काफ़ी सालों में मिलते हैं, तकरीबन साल बाद ही हम लोग मिले थे, मतलब वो साल बाद ही हमारे घर पर आए थे, इसलिए तो काफ़ी अच्छा लगा था हमें कल। अच्छा इसको हमने अब कवर करके रख दिया था तकरीबन 3 minutes, तकरीबन 5 minutes के लिए, जिसमें से चिकन हमारी गल गई थी, और बस फिर हमने कर आप दिया तो था। बात ही नहीं करते रियान, गंदे बच्चे, अब बोला है।
और यहाँ पर हम थोड़ा सा सैलड बना रहे थे तो, लेकिन हमारे पास ना खीरे नहीं थे, कुकम्बर यानी कुकम्बर थी नहीं हमारे पास, तो बस हमारे पास वो टोमेटोज थे और यहाँ पर रेडिश थी और कैरेट्स थी, तो बस इन चीज़ों को हमने वॉश करके और उसको छील के लिया, पील कर लिया था यानी, और उसको बस हम काट के बस सलाद भी बना लेंगे इसी का, बहुत मज़े की। मुझे कैरेट्स बहुत अच्छी लगती हैं, विंटर्स में बहुत खाती हूँ मैं सलाद के अंदर। अच्छा, हम जब नॉर्मली बनाते ना तो हम उसको ना बिल्कुल कद्दूकश करके बनाते हैं। मैं आपको वो वाले सैलड भी दिखाऊँगी जो कि बिल्कुल इसके अंदर कुकम्बर होता है, रेडिश होती है, कैरेट्स होती हैं, टोमेटोज होते हैं, इन सबको एक साथ हम क्रश कर लेते हैं बिल्कुल। उसके ना थोड़े से ना लेमन, हाफ लेमन को स्क्वीज कर देते हैं इससे, और थोड़ा सॉल्ट वैसे पसंद नहीं है पापा को लेकिन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है ये वाला सैलड ना। बस हम इसके ना टोमेटोज को भी हम स्लाइस कर देंगे और रेडिश और मूली सब चीज़ को ना स्लाइस कर करके हम बस रख देंगे, और बस यही कुछ था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, कॉमेंट अगर चैनल भी अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और बस हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे एक साथ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है एक साथ डिनर करने में, फैमिली जब मिलके बैठती है मतलब गेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बातें होती हैं नई नई और बहुत मज़ा आता है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने कल बहुत इन्जॉय करा और हम इसी तरह करते हैं इन्जॉय, कभी कभी इस तरह मज़ा आ जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सबको रोटीज़ वगैरह सर्व करी थी और यहाँ पे हम लोग बातें भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, और तो फिर चले, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक करके जाएँ, जब भी लाइक करके जाइएगा।